आगरा में थाना कोतवाली के रावत पाड़ा में शुक्रवार को दिन दहाड़े तिवारी गली के पास कुरियर कंपनी के ऑफिस में असला से लैस चार बदमाशों ने धावा बोलते हुए कंपनी के मैनेजर आनंद गिरी और तीन कर्मचारियों को बंधक बनाकर 40 लाख रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से ही पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद सीसीटीवी में कैद हुई लूट की घटना का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि लूट की घटना को हथियारों से लैस चार नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दिया है। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की घटना के इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से हथियारों से लैस चार बदमाश पहले अंदर प्रवेश करते हैं। पहले एक बदमाश कुरियर कर्मचारी के हाथ में लगी थैली छीन लेता है और अंदर ऑफिस में रखी लाखों की नकदी को लूटते हुए अपनी जेबों में भरने लगे। नीली जींस और काली शर्ट पहना हुआ बदमाश अपने हाथ में हथियार लेकर बैठने के लिए इशारा कर रहा है। हेलमेट लगाए व्यक्ति को पहले बैठने के लिए बोला जाता है, जिस पर वह वहीं बैठ जाता है। अपने साथ हुई घटना का व्यक्ति ने विरोध करना चाहा तो तीन बदमाशों ने उसके साथ मामूली हाथापाई की और एक बदमाश ने उसके मुंह पर टेप लगा दिया। दूसरे ने उसके सिर से हेलमेट उतार दिया। इस दौरान बदमाशों ने नकदी को अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया और तमंचा दिखाते हुए फरार हो गए। बदमाशों द्वारा की गई बड़ी लूट की वारदात के बाद अब देखना होगा कि पुलिस कब इन बदमाशों को गिरफ्तार कर पाती है।